हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास थ्री सब्जेक्ट जो है SST, इसमें आज हम लोग लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे। लेसन नंबर 6 में जो पढ़ना है द इंडियन स्टेट्स, भारतीय राज्य के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इंडिया, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इंडिया और मदरलैंड इज ए बिग कंट्री विथ ए टोटल पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़। भारत जो है हमारी मातृभूमि है, ये एक बड़ा देश है। यहाँ की जनसंख्या, पूरी जनसंख्या 120 करोड़ से अधिक है। द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री इज इलेक्टेड बाई आवर पीपल, और यहाँ की सरकार जो है यहाँ के लोगों के द्वारा चुनी जाती है। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द नीड्स एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड इंश्योर सेफ्टी ऑफ द कंट्री, और हमारी सरकार जो है यहाँ के लोगों को, भारत के लोगों को देखभाल, उनकी ज़रूरत, उनकी सुरक्षा सभी पूरा करती है। द गवर्नमेंट विच कंट्रोल द होल कंट्री, और ये सरकार पूरे देश को, हमारे पूरे देश में कंट्रोल, नियंत्रित रखती है, जिसको कि यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, द ऑफिस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार के जितने भी कार्यालय हैं सब दिल्ली में स्थित हैं, जो कि दिल्ली, न्यू दिल्ली जो है भारत की राजधानी। द गवर्नमेंट इज रन बाय द प्रेसिडेंट थ्रू द प्राइम मिनिस्टर, यहाँ की सरकारें प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रधानमंत्री के माध्यम से चलती हैं। द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट्स कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत बहुत से कैबिनेट मंत्री हमारे देश में होते हैं। ऑल ऑफ देम लिव एंड वर्क इन दिल्ली, और ये सभी लोग दिल्ली में रहते हैं और सभी लोग काम करते हैं। द कैपिटल सिटी, ये दिल्ली जो है कैपिटल सिटी है, आप जानते ही हैं कि भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है। द प्रेजिडेंट इज़ द सेरेमोनियल हेड एंड द प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। प्रेजिडेंट जो होते हैं, राष्ट्रपति जिनको कहा जाता है, वे देश के सर्वोच्च व्यक्ति होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो कि सचमुच में राज्यों के एक हेड होते हैं, उसी प्रकार सभी राज्यों के हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। हमारे देश में जितने भी राज्य हैं सभी का संचालन करना, देख रेख करना हमारे प्राइम मिनिस्टर का काम होता है, सभी के हेड होते हैं। इंडिया स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, आवर कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। हमारे देश को 29 राज्यों में, 29 राज्यों में बांटा गया है, और 7 यूनियन टेरिटरी हैं।
जिसको कि केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। 7 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये आप इसको फॉलो कर सकते हैं। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, स्टेट एंड कैपिटल, ये सभी जो स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स, ऑल स्टेट ऑफ 29 स्टेट्स एंड इट्स कैपिटल, यू कैन फॉलो दिस चार्ट ऑन योर पेज। अब हम चलते हैं आगे, यूनियन टेरिटरीज भी देखेंगे आप, उसकी भी राजधानी है अलग। देयर आर 7 स्मॉल रीजन इन इंडिया विच आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरी। 7 छोटे छोटे प्रदेश भारत में जिसको कि यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है। दीज यूनिट्स आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इनका देख रेख सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा। दिल्ली द यूनियन टेरिटरीज इज आल्सो कॉल्ड द नेशनल कैपिटल टेरिटरीज। जैसे दिल्ली को आप लीजिए, यह यूनियन टेरिटरीज भी है जिसको कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी कहते हैं। द लोकल गवर्नमेंट इन यूनियन टेरिटरीज आर गाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हेडेड बाय लियूटेनॉट गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट जो होती है केंद्र सरकार में, लोकल यूनियन टेरिटरीज का, जो कि गाइड करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी देख रेख करता है, एंड हेडेड बाय लियूटेनेंट गवर्नमेंट गवर्नर, और लियूटेनेंट गवर्नर के द्वारा भी देख रेख किया जाता है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट इज कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। जो राज्य की सरकार है, राज्य की शासन व्यवस्था है, उसको जो है हमारी राज्य सरकार कंट्रोल करती है, देख रेख करती है। द स्टेट गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपुल लिविंग इन द स्टेट। तो हमारे राज्य की सरकार की चुनाव वही करते हैं जो उस राज्य के लोग रहते हैं, वही उनको चुनते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट कैन अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल इन ए बेटर वे। तो स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, उन लोगों की समस्याओं को समझती है और समस्याओं के समाधान करती है, सही रास्ते पे ले जाती है। द स्टेट गवर्नमेंट इज रन बाय द चीफ मिनिस्टर, और राज्य सरकार चीफ मिनिस्टर जिसको बोलते हैं हम लोग मुख्यमंत्री, उनके द्वारा चलाई जाती है। मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट ऑफिसर, उसमें भी मिनिस्टर होते हैं और गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं। ऑल ऑफ देम लिव एंड वर्क इन द कैपिटल सिटीज ऑफ दियर रेस्पेक्टिव स्टेट, और उनमें से सभी लोग काम करते हैं, सभी लोग रहते हैं उस राजधानी में, राजधानी और रेस्पेक्टिव स्टेट हैं, उनको सम्मान दिया जाता है। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का फंक्शनल कार्य देखिए। द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हेल्प ईच अदर फॉर द प्रोग्रेस एंड वेलफेयर ऑफ द पीपुल एंड द कंट्री। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या राज्य सरकार हो, केंद्र राज्य सरकार हो, ये सभी एक दूसरे की मदद करते हैं, वहाँ के लोगों की सहायता करते हैं, उनके विकास के लिए, हमारे देश में लोगों का विकास के लिए। दे पास लॉ, कानून पास करते हैं, एंड रूल टू रन द कंट्री प्रॉपरली, और नियम कानून बनाते हैं हमारे देश के लिए। दे बिल्ड स्कूल, उन लोगों ने स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, एंड हॉस्पिटल, पार्क, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स, ETC फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पीपल, जिससे कि लोगों को लाभ हो सके। वी मस्ट हेल्प द गवर्नमेंट सो दैट इट मे लुक आफ्टर अस। तो हम लोगों को
गवर्नमेंट यानी सरकार की सहायता करनी चाहिए जो कि हम लोगों को देखभाल करते हैं। ऑल्दो इंडिया हैज मेनी टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत प्रकार की जलवायु हैं, क्लाइमेट हैं, लैंडफॉर्म एंड लैंग्वेज, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज एंड लैंडफॉर्म्स, इट्स पीपल आर सिमिलर इन मेनी वे। तो ऐसे लोग जो हैं उनके भी रहने का बहुत तरीका होता है, ऑल इंडियंस आर लाइक वन बिग फैमिली, तो सभी भारतीय लोग जो हैं एक बड़े परिवार की तरह हैं। तो ये आपका जो है लेसन नंबर 6 जो है सोशल स्टडी का ये समाप्त हो गया, और अब इसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर होगा, फिर उसके बाद अगला लेसन अगले दिन होगा। तब तक के लिए थैंक यू।